होता है, इसलिए जैन धर्म में भगवान को फूल तक नहीं चढ़ाते, क्योंकि इस धर्म का केंद्र अहिंसा है। इसलिए पुष्प भी अगर हम चढ़ाएंगे तो फूलों का जीवन या फूलों का घर अस्त व्यस्त ना हो जाए, उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए, इसलिए जैन धर्म में पुष्प भी नहीं चढ़ाया जाता। और जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद भी भोजन नहीं किया जाता, क्योंकि यदि हमारी दृष्टि चूक गई, कहीं कोई कीट पतंगा आदि हमारे भोजन में ना आ जाए, इसलिए जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। तो आइए हम भी ऋषभ देव जी के इसी ज्ञान को धारण करते हुए थोड़ा सा भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा लें। और हम भी भगवान से यही कहें कि हे प्रभु, वास्तव में आप ही हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं। जब तक आंखें बंद नहीं हो जाती तब तक संसार है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद सारे संबंध टूट जाते हैं। हमारा असली संबंध तो हे प्रभु, हे नारायण, आपसे ही है। इस भावना के साथ भगवान को कहें। हम कहते हैं ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कहना है तो ये कहिए ये मेरा, कहना है तो ये कहिए ये मेरा। क्योंकि वास्तव में मेरा तो परमात्मा ही है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ooh।
Oh,
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो गए ओ मेरे कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, प्रेम से कहे श्री राधे। तो आप क्या प्रसंग श्रवण कर रहे थे? ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को सुंदर दिव्य ज्ञान दिया और स्वयं चले गए वन में आराधना करने के लिए। बड़े पुत्र भरत जी को राज तिलक किया है, भरत जी ने राज्य का उपभोग किया, लेकिन जब 50 वर्ष से अधिक की आयु हुई तो भरत जी को लगा कि 50 साल के बाद तो संख्या भी कहती है वन चले जाओ, अब क्यों घर में पड़े हो। 51, 52, 54, 57 तो संख्या भी बार बार कहती है कि 50 साल के बाद गृहस्थ का मोह व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, इसलिए समय समय पर तीर्थाटन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तो भरत जी महाराज भी राज तिलक करके अपनी संतान को चले गए हैं गंडकी नदी के किनारे, और वो गंडकी नदी आज नेपाल में पड़ती है, जिसको काली नदी भी कहा जाता है। तो और उसको पुराणों में उसी गंडकी नदी को शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है, जिसमें कि शालिग्राम प्रकट होते हैं। और साधना में भी ध्यान रखना पड़ता है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और भरत जी का एक हिरण के प्रति मोह हो गया, आपने कथा सुनी होगी। और अंतिम अवस्था में जब इनके प्राणांत होने लगे तो उस हिरण की ओर ध्यान जाने से शास्त्र कहता है, क्या भैया सीटीसी आ रही है ना, शास्त्र भी कहता है अंते या मति सागति, अंत समय में आपका मस्तिष्क मन जिधर होगा 70% उसी योनि में जाने की संभावना बन जाती है, क्योंकि अंतिम अवस्था का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि हम फोटोग्राफर के पास जब फोटो खिंचाने जाते हैं, हमने घर में अपने शीशे के आगे कितना मेकअप किया, कितना समय लगाया, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है महिमा तो उसकी भी है, लेकिन मेन बात यह है कि जिस समय फोटोग्राफर ने क्लिक किया उस समय आपका मेकअप कैसा था, उस समय आपकी पोजीशन कैसी थी।
आप घर से बहुत सुंदर बनकर गए, श्रृंगार किया, लेकिन वहाँ जाते जाते सारा धुल गया और फिर फोटोग्राफर ने जब फ़ोटो निकाली तो कुछ अच्छी नहीं आई, तो आप फोटोग्राफर पर अगर क्रोध करो कि मैं तो इतना सच के आई थी, फ़ोटो अच्छी क्यों नहीं निकाली, तो फोटोग्राफर यही कहेगा कि जब मैंने अंतिम क्लिक किया था उस समय तुम्हारी पोजीशन क्या थी, मेरा कैमरा तो उसी को कैप्चर करता है। तो बस उसी प्रकार से जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत का अंत राम कहीं आवत नाही, और कदाचित यदि अंतिम अवस्था में भगवान का स्मरण हो जाए तो अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कले वरम, भगवान गीता में कहते हैं वो मेरे धाम को जाता है। और अंतिम अवस्था में यदि ये मेरा पुत्र, ये मेरा बंधु बांधव, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, अगर इसका स्मरण हो जाए तो फिर कभी कभी उसी परिवार में कुत्ता बिल्ली बनकर भी पैदा होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो दादाजी थे, दादाजी ही घर में कुत्ता बनकर पैदा हो गए, क्योंकि मोह बहुत अधिक था। एक बार ऐसा ही हुआ।